सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है और प्रयास ऐसे करो जैसे सब कुछ आप पर निर्भर करता है। अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो और सबके साथ हो तो जुबा पर काबू रखो। रिश्तों की सिलाई अगर भावनाओं में हुई है तो टूटना मुश्किल है और अगर स्वार्थ से हुई है तो टिकना मुश्किल है। आज का पंचांग 15 जुलाई 2021 दिन गुरुवार, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि, सुबह 7:16 तक रहेगी। इसके उपरांत षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तर फाल्गुनी नामक नक्षत्र रात्रि 3:21 तक रहेगी। इसके उपरांत हस्त नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 2:12 से 3:52 तक रहेगा। आज का विजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:06 से 12:59 तक रहेगा। आज चंद्रमा सिंह राशि पर सुबह 9:39 तक रहेगी। इसके उपरांत कन्या राशि पर संचार करेगी। कन्या राशि 15 जुलाई 2021 दिन गुरुवार, अभी घरेलू मामले आपके दिमाग में हो सकते हैं और भाई या माता पिता का स्वास्थ्य आपको परेशान कर सकता है। सामाजिक उत्सवों का आनंद, क्लब में पार्टी या रेस्टोरेंट का मजा लेने के लिए समय निकालें। घर का सदुपयोग करें और धन का सदुपयोग करें और फिजूल खर्चे से बचें। महीने का यह दौर आपको नए आयाम खोजने के लिए आगे बढ़ाने वाला है। आज कुछ भी करने से पहले 2 सोचें और समझदारी से निर्णय लें। महत्वपूर्ण काम करने से बचें। सफल होने की इच्छा असफल होने के भय से ज्यादा प्रबल हो। मार्केटिंग व मीडिया से संबंधित कार्य पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित रखें। इस समय किसी भी फोन कॉल आदि को नजरअंदाज ना करें क्योंकि आपको कोई महत्वपूर्ण सूचना मिल सकती है। इस समय ग्रह स्थिति आपके आत्मबल और मनोबल को बढ़ाने में सहयोग कर रही है। फिलहाल आपके आसपास के सभी व्यक्ति अपने कार्य में व्यस्त होने के कारण आपकी तारीफ को वह समझ नहीं पाएंगे। आपके अंदर के बढ़ते हुए अकेलेपन को दूर करने के लिए मित्र की सहायता लेना आवश्यक होगा। कुछ प्रश्नों के जवाब आपको फिलहाल प्राप्त नहीं होंगे, इसलिए उन्हें ढूंढने की जिद न रखते हुए जो कार्य हाथ में है उसे करते रहें। आईटी क्षेत्र से जुड़े लोगों को काम से संबंधित रुचि कम महसूस होगी, लेकिन फिलहाल नौकरी में बदलाव लाने के लिए वक्त सही नहीं है। पार्टनर के प्रति रखी गलतफहमियां दूर होने लगेगी, लेकिन भविष्य में ऐसा ना हो इस बात के लिए आपको सतर्कता रखनी होगी। कम पानी पीने की वजह से शरीर का बढ़ता डिहाइड्रेशन तकलीफदायक होगा। सावधानियां, किसी भी योजना को बनाते समय दूसरों के निर्णय को ज्यादा प्राथमिकता ना दें, अन्यथा आप किसी के बहकावे में आ सकती हैं। अपने भाइयों अथवा नजदीकी संबंधियों के साथ आज किसी तरह के वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। बात करते हैं लव लाइफ की। जीवन साथी तथा परिजनों का सहयोग और सलाह आपके लिए फायदेमंद रहेगी। प्रेम संबंधों में भी भावनात्मक नजदीकियां बढ़ेगी। आपकी विरोधी चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन आपके उत्साह को कम नहीं कर सकते। आपका परिवार आपके साथ है, अप्रेम जीवन भी समृद्ध है। साथ में किया गया सफर आपके प्रेम के आग को और अधिक भड़का सकता है। इसे आप एक दूसरे से प्रेम करने के बारे में कभी नहीं सोचेंगे। जीवन के इस मनोरम चरण में आप स्वयं को उत्साहित और भाग्यशाली महसूस करेंगे। अनुराग के इस अद्भुत समय में आप अपने रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं। प्रेमी के साथ समय बिताने का लुफ्त लेंगे और उसके लिए कुछ अलग कर सकते हैं। अपने रिश्ते की कद्र करें, अपने पार्टनर को वक्त दें और उसे प्यार का एहसास कराएं। बात करते हैं करियर की।
शिक्षक या पिता के संकट आपके प्रयासों से दूर होंगे, जिससे आपकी प्रशंसा होगी। आपके कौशल और गुण आपकी नीति है, जिसे आप हर जन जीत लेंगे। आज किसी यात्रा की योजना रद्द हो सकती है, आज उसमें विलंब हो सकता है। उन गतिविधियों को नजरअंदाज ना करें जिससे आपको खुशी मिलती है। जीवन का यह चरण आपके पेशवर जीवन को कई अच्छे और शिक्षा प्रदान करने वाले अनुभवों से नवाजने वाला है। आपकी ऊर्जा आपको सभी सौदे व कार्य में अच्छे परिणाम दिलाएगी। जिस काम को आपने शुरू किया है उसे आज पूरा अवश्य करें, सोचे समझे और उसके बाद काम करें। यही आज के दिन का मंत्र है। बात करते हैं सेहत की। सिर दर्द और माइग्रेन की समस्या बढ़ने से दिनचर्या अस्त व्यस्त रहेगी। गरिष्ठ और तला भुना खान पान लेने से परहेज करें। कम पानी पीने की वजह से शरीर का बढ़ता डिहाइड्रेशन तकलीफदायक होगा। आज का उपाय, आज आप तुलसी के पौधे पर जल अर्पित करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, जिस प्रकार रोजाना मेहनत करने के लिए हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार सकारात्मक विचार और प्रेरणा हमारे मन मस्तिष्क को शक्ति प्रदान कर हमें जीवन के विपरीत परिस्थितियों से लड़ने और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं। इसी प्रयास में हमारे चैनल VJ मोटिवेशनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक आपको स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपका दिन शुभ हो।